हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और ये है हमारा छोटा सा आसियाना, आप देख सकते हैं। और सफ़र जो है रेडी हो रहा है और आज हम जाने वाले हैं सौक बकरा, जो कि बहुत ही कमाल की प्लेस है। और आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए, आगे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। बस लेना होता है सौक बकरा के लिए, तो हमें बस नंबर 127 से जाना है सौक बकरा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सौक वाकिफ। तो आप देख सकते हैं ये पूरा बीच एरिया पहुंच चुके हैं और ये बीच एरिया का हम लोग आपको दिखाएंगे व्यू कैसा है, तो आप व्लॉग में बने रहिए। फाइनली गाइज, ये व्यू देखिए कितना बेहतरीन है। और ये आप देख सकते हैं समुद्री केकड़े जो कि गायब हो जा रहे हैं, छिप जा रहे हैं, और आप वहाँ देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े हैं। तो क्या नाचोगे? तो गाइज, आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि वहाँ से हम लोग ने आए, वहाँ से मेन एंट्री है। मेन एंट्री के यहाँ पे आने के बाद एक बड़ा सा सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, तो ये एरिया में आप यहाँ पे घूम सकते हैं, ठीक है। ये एरिया में जितने भी बैचलर और फैमिली आ सकते हैं, घूम सकते हैं अपना। लेकिन जो इस एरिया है, इस एरिया में नहीं जा सकते, बिकॉज़ ये प्राइवेट बोट पार्किंग एरिया है। यहाँ पे प्राइवेट बोट जो होती हैं वो पार्किंग होती हैं। तो गाइज, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं जहां पे हमें पहुंचना था, ठीक है। तो यहां पे बहुत ही अच्छा वाइब है, आपने तो अभी सिनेमैटिक में इससे पहले देख ही लिया होगा कि कैसी कैसी जगह है। तो हमें एग्जैक्टली यहीं पे पहुंचना था, क्योंकि यहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे बोर्ड हैं और यहां पे प्लेसेस भी बहुत अच्छी हैं। यहां पे बैचलर लोग भी ईजीली आ सकते हैं अब हैंग आउट करने के लिए। अभी तो गाइज यहाँ पर ज़्यादा क्राउड वगैरह नहीं है, क्योंकि हॉलीडे के टाइम पर सबसे ज़्यादा क्राउड होता है फ्राइडे के दिन, एंड थर्सडे के नाइट में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। यहाँ पे आते हैं बैचलर्स, घूमते हैं, हैंग आउट करते हैं, बोर्डिंग करते हैं, फिशिंग भी यहाँ पे करी जाती है, फिशिंग भी बहुत सारे लोग करते हैं यहाँ पे। तो गाइज, यहाँ का ये मेन सिंबल है, ये जो बड़ी सी शिप बनी है, जो सौक वाकिफ का मेन सिंबल है, लोग यहीं पे आते हैं। और ये इस साइड में जो है ये फैमिली बीच है, ठीक है। और ये बैक साइड में जब हम लोग जाएंगे ये साइड में, तो यही साइड में बैचलर बीच है। तो आप लोग फैमिली के साथ जाना होगा तो ये साइड में आते हैं, और यहाँ बैक साइड में पूरा रेस्टोरेंट वगैरह है। तो हम लोग वहाँ पर अभी जाने वाले हैं और जाके आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर कैसा वाइब है और कैसे रेस्टोरेंट है। सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग पहचान है और रेस्टोरेंट की वाइब भी बहुत अच्छी है। सौक वाकिफ के
बीच के मेन डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। और ये है पूरा फैमिली विला, फैमिली वी बीचेस, यहाँ पे फैमिली रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट है, आपको हर एक कैटेगरी के रेस्टोरेंट जो यहाँ पे आप अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। अपने इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत सारे हैं, सब लाइन से ये सब पूरा फैमिली रेस्टोरेंट्स वगैरह सब चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये साइड में ये पूरा बीच है, यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं, बहुत से लोग स्विमिंग करते हैं यहाँ पे, बहुत से लोग फिशिंग भी करते हैं बैक साइड में उसके, फिशिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे मेन डेस्टिनेशन इसको कहा जाता है शौक वाकिफ का। तो गाइज़ हमने डे का भी हम लोगों ने शूट कर लिया है, तो अभी तो फ़िलहाल हो रहे हैं 7 o'clock। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं बहुत ही प्यारा फाउंटेन है, और आगे आपको पीछे बहुत सारी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है, वहाँ भी आपको ले चलते हैं और नाइट की व्यू दिखाते हैं आपको। यहाँ पे बच्चा आ चुका है, देखो आप, ये यहाँ पे वो एक बच्चे की कमी थी जो पूरी हो चुकी है यहाँ पे, इसके आने से, ये बच्चे के आने से ये पूरा गार्डन खुल चुका है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन अंदर से घुसने के टाइम पे मालूम पड़ता है कि ये बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे देख सकते हैं एकदम यहाँ की वाइब। अभी तो फिलहाल ये पूरा एरिया खाली है क्योंकि हॉलीडे का टाइम नहीं है, लेकिन बट ये जब हॉलीडे का टाइम आता है, जब लाइक फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह। तो गाइस आके देख सकते हैं बहुत ही विंटेज टाइप, यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी आपको, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको लेडीज़ एक्सेसरीज़ की शॉप है। यहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं जो एकदम विंटेज स्टाइल में बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लगता है, ऐसा लगता है हम कोई पिछले सदी में चले गए। बहुत ही अच्छी यहाँ की वाइब्स है, और आगे भी बने रही है बहुत सारी चीज़ें, अभी आपको दिखानी बाकी है। ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है भाई यहाँ पे? हाँ, हवा तो काफी अच्छा आ रही है यार, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से जाकर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।